उनका लक्ष्य समाज को बदलना था, हिंसक रूप से क्रांति करके नहीं लेकिन लोगों को शिक्षित करके, बहुत लंबे समय तक लोगों के मन में विचारों को रोप कर। अगर मैं कहूं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का ओरिजिन पॉप स्टार बियॉन्से, जैज़े और रिहाना से कनेक्टेड है, या फिर प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का एसेसिनेशन किसी सीक्रेट सोसाइटी के थ्रू प्लान था, तो आप क्या मानेंगे? व्हेन मोस्ट पीपल ट्राई टू लुक इनटू द सीक्रेट सोसाइटी हिस्ट्री, दे फाइंड देमसेल्फ इन जर्मनी विद द एनलाइटमेंट एरा ऑर्डर ऑफ द वन पर्टिकुलर सीक्रेट सोसाइटी। बात है 1776 की, जब बवारिया के प्रोफेसर एडम विशप वहाँ के रिलीजियस थॉट्स और कैथोलिक कंट्रोल से परेशान हो चुके थे, और इसी के ऊपर है हमारा आज का ये वीडियो। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक बने रहिए, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए। इल्यूमिनाटी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन ये इल्यूमिनाटी है क्या, क्यों आज भी इसके नाम पर हजारों कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, चलिए समझते हैं। When we hear about the word Illuminati, we remember shadowy world of secret handshakes and dark allegations of corruptions and even conspiracy. लेकिन ऐसा नहीं है। Catholic Church या Roman Catholic Church असल में Christianity की एक ब्रांच है जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी है। लेकिन इसके बारे में हम आपको क्यों बता रहे हैं? वो इसलिए ताकि एडम विशप के असली रेवल को आप समझ पाएं। 1776 में जब अटलांटिक के पार एक देश अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था, ऐसी लड़ाई जो अपने नॉन कैथोलिक आइडल्स की फ्रीडम के लिए हो, वहीं बावारिया में एडम अपने सेक्युलर आइडियोलॉजीज़ को आवाज़ देने में व्यस्त थे, और उसी बीच एडम ने यह तय किया कि वो अपने आइडियाज़ को एक सीक्रेट सोसाइटी के थ्रू फैलाना शुरू करेंगे, ऐसी सोसाइटी जिसकी नींव एडम की आइडियोलॉजी पर हो। शुरुआत में उन्होंने एक लाइक माइंडेड ग्रुप को अप्रोच किया जिसका नाम था फ्रीमेसंस, एक ऐसा ग्रुप जो एडम की ही तरह अपने सेक्युलर आइडियल्स और रीजनिंग अप्रोच को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा था। बट दैट डिडंट सीम टू वर्क आउट, और एडम ने अपना खुद का एक ग्रुप बनाया जिसको आज हम इल्यूमिनाटी के नाम से जानते हैं। इल्यूमिनाटी के जरिए एडम ने अपने रिवोल्यूशनरी आइडियल्स जैसे रेशनलाइजेशन और फिलैंथ्रोपी को प्रमोट करना शुरू किया, और कुछ ही दिनों में इस ग्रुप के साथ कई लोग जुड़ने शुरू हो गए, यहाँ तक कि कई पॉलिटिशियंस ने भी इसके साथ संगठन में अपनी भलाई समझी। इल्यूमिनाटी एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप था जो अपने इन्वॉल्वमेंट से लेकर अपने अप्रोच तक काफ़ी स्ट्रेटेजिक था। अगर शुरुआत की बात करूं तो एडम इस ग्रुप को लेकर काफ़ी सीक्रेटिव थे, उन्होंने अपने और अपने कलीग्स को कोड वर्ड्स दिए थे जिसके जरिए वो आपस में बात कर सकें। एडम ने खुद को स्पार्टिकस का नाम दिया और अपने ट्रस्टेड एलाइज को एरियोपागस। 1784 तक इल्यूमिनाटी में तकरीबन 600 लोग जुड़ चुके थे, और इसी पॉपुलैरिटी के चलते ये सीक्रेट सोसाइटी एक ओपन सीक्रेट बन चुकी थी। इस सोसाइटी के रिवोल्यूशनरी आइडियाज गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा थे, और 1785 में चार्ल्स थियोडर इलेक्टर ऑफ बवारिया ने इस ग्रुप को हमेशा के लिए बैनिश कर दिया, और एडम को फोर्सफुली एग्जाइल होना पड़ा। लेकिन क्या इल्यूमिनाटी की ये सैड एंडिंग असल में एंडिंग थी? विदाउट। 1798 में ऑगस्टिन बैरल ने अपने मेमोर में मेंशन किया दैट इल्यूमिनाटी सर्वाइव देयर ओरिजिनल बैनिशमेंट, इनफैक्ट मैनी बिलीव दैट द ग्रुप इज प्रिजर्व्ड एंड इज थ्राइविंग टिल टुडे दो इन सीक्रेट। लेकिन ये तो वेस्ट की बात है, आज हम अचानक से आपको ये कहानी क्यों बता रहे हैं? ताकि आप इंडियन इल्यूमिनाटी को समझ सकें। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इल्यूमिनाटी जो वेस्ट की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी है उसका असल में एक छोटा सा वर्जन इंडिया में भी मौजूद है जिसको हम द 9 अननोन मैन के नाम से जानते हैं। द 9 अननोन मैन नाम से ही काफ़ी सीक्रेटिव सुनाई देता है। खैर, यह सीक्रेट ग्रुप बनाया था मौर्यन एम्पायर के सबसे बड़े रूलर अशोका ने। चक्रवर्ती अशोक सम्राट, इनकी कहानी किसको नहीं पता, एक छोटे बच्चे से लेकर गांव के बुजुर्गों तक अशोका की कहानी के चर्चे हर जगह हैं। लेकिन वहीं बुद्धिज्म को अपनाने के बाद उनके सफर के बारे में किसी को खास जानकारी नहीं है। 273 BC में अशोका ने एक 9 लोगों का ग्रुप बनाया, और इन 9 लोगों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ सौंपी। दरअसल अशोका के दौर के एडवांसमेंट के बारे में हम सभी जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अशोका के पास आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की पूरी जानकारी थी, और इसलिए ये ग्रुप बनाया गया। इस ग्रुप के हर एक मेंबर को एक बुक सौंपी गई। सर्वोच्च ज्ञान की किताबें अलग अलग सब्जेक्ट पे थी, जैसे प्रोपोगेंडा, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, कम्युनिकेशन, ग्रेविटी, कॉस्मोलॉजी, लाइट, एल्केमी और सोशियोलॉजी। और इन किताबों की सुरक्षा अब इन 9 लोगों की जिम्मेदारी थी। अशोका ने अपने राज के शुरुआती सालों में ये जान लिया था कि अगर ज्ञान किसी गलत हाथ में पड़ गया तो उससे इंसानियत को कितना नुकसान पहुंच सकता है, और इसी के चलते उन्होंने इन 9 लोगों की आइडेंटिटीज भी पूरी तरह से गुप्त रखी। अशोका ने उन सभी को आदेश दिया कि समाज की उन्नति के लिए जब जब इन बुक्स की जरूरत पड़े तो वो कुछ जानकारी लीक कर दे। इसी के चलते ये माना जाता है कि फिजियोलॉजी की किताब की लीक्ड इन्फॉर्मेशन के चलते आज दुनिया में मार्शल आर्ट्स और जूडो जैसी आर्ट फॉर्म्स मौजूद हैं।
यहाँ तक कि क्लोर की वैक्सीनेशन भी इसी बुक के ज्ञान से प्राप्त हुई, ऐसी कई लोगों की मान्यता है। इन 9 अननोन मैन का ग्रुप बनाने के बाद अशोका ने उन सभी को दुनिया के अलग अलग कोने में भेज दिया ताकि उनका ये ज्ञान किसी एक जगह तक सीमित ना रहे। बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि पाई की वैल्यू भी इन्हीं किताबों की मदद से निकाली गई, और इस बात को इसलिए भी मानते हैं क्योंकि देखा जाए तो अशोका की मौत के बाद देश में वैज्ञानिक और सामाजिक प्रगति में भारी गिरावट आई। इन 9 आदमियों के अस्तित्व के बारे में दुनिया को सबसे पहले 1923 में टैलबॉट मुंडे की किताब द 9 अननोन मैन से पता चला। उन्होंने इस बुक को इंडिया में ब्रिटिश राज के वक्त लिखा जब वो 5 साल के लिए एज अ पुलिस ऑफिसर इनलिस्ट हुए। कई लोगों का तर्क है कि लगभग 2000 वर्षों तक संरक्षित समूह केवल 5 वर्षों में ही उनके ज्ञान में आ गया, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन उनके सिद्धांत को लुईस पॉवल्स और जैकिस बर्गर द्वारा 1960 की बुक द मॉर्निंग ऑफ द मैजिशियंस द्वारा समर्थित किया गया था, जिन्होंने मुंडी के सिद्धांत को एक मजबूत आधार दिया। उनका मानना था कि पॉप सिल्वेस्टर सेकंड पर्सनली सीक्रेट सोसाइटी से मिल चुके थे और अपने साथ बहुत से ऐसे गैजेट्स लेकर आए थे जो एक कंप्यूटर की तरह थे। हैरानी की बात यह है कि दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर उनकी मौत के 800 साल बाद बना था। इतना ही नहीं, उनकी मौत अपने में ही एक मिस्ट्री है। लोग मानते हैं कि जब उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी के बारे में चर्च को बताने की कोशिश की तो उससे पहले ही उनकी एक मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई। वेस्टर्न इल्यूमिनाटी की तरह ये इंडिया के 9 अननोन मैन भी असल में तो एक कॉन्स्पिरेसी जैसे ही लगते हैं, बट वेदर डे एग्जिस्ट और नॉट नोबडी नोज। तो आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें जिससे आपको और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिल सकें ऑन टाइम।